नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दुबे और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भक्ति द्वार टेलीविजन, भक्ति द्वार जीवन का सार। 2020 राशिफल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि के बारे में और तुला राशि का जो स्वामी है वो है शुक्र। तो दोस्तों, क्या कुछ आपके जीवन में 2020 में घटने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या कुछ परेशानियां आने वाली है या फिर बहुत सारा काम आपका पूर्णता को प्राप्त होगा, ऐसे तुला राशि के बारे में हम इस मंच पर चर्चा करने वाले हैं। और साथ साथ में रा री रू रे ता ती तू ते, इन शब्दों में से अगर कोई भी शब्द आपके नाम के साथ मिलते हैं तो डेफिनेटली आपकी तुला राशि है। अगर आपकी तुला राशि है तो ये एपिसोड आपको देखना चाहिए कि 2020 मेरा कैसा जाएगा। आइए बात कर लेते हैं कि जैसे कि तुला राशि के लिए अगर हम देखें तो 4 नवंबर को जो गुरु ग्रह चेंज हुए हैं दोस्तों, वो आपके तृतीय स्थान में विराजमान हो गए हैं, वहीं पर शनि है और जनवरी में ही रवि बुध और केतु 5 ग्रहों का संगम धनु राशि में देखने के लिए मिल रहा है। मंगल राशि अगर आप देखें वृश्चिक है और उसी के अंदर मंगल विराजमान है, साथ साथ में शुक्र आपका मकर राशि में विराजमान है। तो गुरु आपका तृतीय स्थान में है दोस्तों, तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि भाग्य के ऊपर आप गुरु की दृष्टि होगी, जो कि एक शुभ संकेत है, काफी कुछ अच्छा समय आपके लिए निकल के आने वाला है। लेकिन साथ साथ में दोस्तों, ग्रहों की अगर हम चर्चा करें तो शनिदेव जो है अभी तक तो धनु राशि में विराजमान है और तृतीय राशि जहाँ पर धनु पड़ रही है, तृतीय स्थान में शनि काफी अच्छा फल देते हैं। तो डेफिनेटली आपका समय तो पिछले 2019 में काफी कुछ अचीवमेंट या फिर आपने देखा होगा कि आपको काफी सफलताएं मिली होंगी। लेकिन साथ साथ में अब ये शनि जो है यहाँ पर है वो अब आ जाएंगे मकर राशि में चतुर्थ स्थान में। तो दोस्तों, तुला राशि के लिए अब अढ़ैया शुरू होने वाली है और ये जो समय आपका शुरू होने वाला है 23 तारीख को जनवरी से शुरू होगा, जो कि शनि की अढ़ैया बोला जाता है और अढ़ैया में काफी काम बिगड़ते हैं दोस्तों, अगर आप सही तरीके से आप काम नहीं करें तो, क्योंकि ढैया में शनि आपको परेशानी दे सकता है, चिंता दे सकता है, कलह दे सकता है, नाना प्रकार की परेशानी आपको आ सकती है। तो इसके लिए हमने ये कुंडली की जो हम चर्चा करेंगे दोस्तों, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि 18 जून को सातवीं और आठवीं दृष्टि जो है दोस्तों वो मंगल की पड़ने वाली है, तो वो भी काफी कुछ आपके लिए परेशानी लेकर के आने वाली है। तो ये समय आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, गलत लोगों से बचना चाहिए, गलत इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, अन्यथा आपको हानि के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा विवाह की बात करें दोस्तों, काफी समय से आपका विवाह पिछले साल जमते जमते ऐसा बोल सकते हैं कि टूट गया, तो वो साल ये साल जो है 2020 गुरु यहाँ पर बैठ करके सप्तम दृष्टि देखते हैं दोस्तों और मेष राशि यहाँ पड़ती है और मेष राशि उनकी मित्र राशि है, तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा वर की प्राप्ति हो सकती है, वधु की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि ये जो समय आपका विवाह काल के लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर के आया है। जो बात रुकी हुई थी कहीं ना कहीं वो बात वापस से खुलेगी और अच्छे से आपका विवाह संपन्न 2020 में हो सकता है। तो ये विवाह के लिए तो बहुत ही अच्छा समय आपका शुरू होगा। साथ साथ में मैं कहूँगा दोस्तों कि आपकी अढ़ैया शुरू होने वाली है और राहु अगर आप देखें तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और शनि यहाँ पर चतुर्थ स्थान में आने वाले हैं, तो ये साल मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जीवन थोड़ा संघर्ष बढ़ेगा। जो आप चाह रहे थे वैसा कुछ होता हुआ 2020 में शायद आपको नहीं मिल पाए देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ढैया शुरू हो रही है और तुला राशि का जो समय है अभी वो थोड़ा सा परेशानियों में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप जो भी कार्य करें सोच समझ के करें और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है उसके बारे में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, ऐसे विचारों में भी नहीं लेना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों में भी नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आप परेशान होंगे और कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि अगर आप सोच रहे हैं तुला राशि वाले कि 2020 में मैंने कुछ प्लान मैंने रखे हैं, कुछ मुझे बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मैं आप सारे लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समय आपके लिए शुभ नहीं है, अन्यथा आप फंस सकते हैं, आप परेशानी में आ सकते हैं और आपको चिंताएँ घेर सकती हैं। हाँ, दूसरा ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि 2019 में जो पार्टनरशिप में आप लोगों ने व्यवसाय शुरू किया था, काफ़ी मतभेद हो गए थे, 2020 में आपकी स्थितियां बहुत सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं, मतभेद खत्म होंगे और पार्टनरशिप का जो रिलेशन था वो एक अच्छा बॉन्डिंग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और वैसे हम कहें पत्नियों के साथ भी आपके बहुत कलह हो चुके थे, तो वो कलह भी इस साल खत्म होते हुए दिखाई दे रही है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी
संकेत लेकर के आ रहे हैं। आइए बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य ढैया है क्योंकि शनि यहाँ बैठेगा और दशम स्थान वो लग्न को देखेगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं शनि का दृष्टि अशुभ मानते हैं दोस्तों। फिर भी वो उच्च की दृष्टि है लेकिन शास्त्र के हिसाब से शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ शुभ करते हैं, जहाँ देखते हैं वहाँ खराब करते हैं, तो स्वास्थ्य के ऊपर भी आपको ध्यान देना अवश्य पड़ेगा, अन्यथा आपको आप बड़ी बीमारियाँ कुछ ना कुछ आपको हो सकती है। कुल मिलाकर के देखें तो कुछ चीज़ें आपकी अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें आपकी खराब भी हैं, तो आपको संतोल करके ही आपको जैसे आपके राशि का सिंबल है वैसे ही आपको एक विचारधारा करके अच्छी सोच रख के और जिनकी बातें समझ में नहीं आए उनसे आपको रिलेशन नहीं रखना चाहिए। अगर आपने रखा तो डेफिनेटली आपकी नाव अवश्य डूब सकती है। आइए दोस्तों ये सारी चीज़ों पे हमने जो चर्चा की उसके लिए आप सफलता को कैसे प्राप्त हो ऐसे हम पांच अचूक उपाय आपको बताएंगे और पांच अचूक उपाय में से अगर आपने ये उपाय पूरे वर्ष पर किए तो ये मान के चलेगा जो भी आपके जीवन में परेशानी आने वाली है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी और बहुत अगर आपने श्रद्धा और विश्वास से किया तो आप उसके ऊपर मान कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहली बात कि हम पहला उपाय क्या करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको रुद्राभिषेक हर 3 महीने में आपको कराना चाहिए और वर्ष में 4 रुद्राभिषेक अगर आप करवाते हैं भगवान शिव का तो डेफिनेटली आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। कोई मंदिर में भी जाकर के आप कर सकते हैं, अगर वहाँ जाना पॉसिबल नहीं हुआ तो आप किसी ब्राह्मण को अपॉइंट करें और घर पे नॉर्थ ईस्ट जो जोन होता है ईशान्य दिशा वहाँ पर बैठ करके अगर आप अभिषेक कराते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। दूसरा अड़ैया चल रही है दोस्तों, मानसिक स्ट्रेस तो आपका बढ़ेगा, घर में भी कलह बढ़ सकती है, इसलिए महामृत्युंजय का जाप आपको 108 बार हर सोमवार के दिन अगर आप करते हैं तो बहुत सारी परेशानी आपकी खत्म होगी। आइए बात कर लेते हैं तीसरा, तो तीसरा उपाय ये आया है कि हर महीने में एक पूर्णिमा आती है दोस्तों, ऐसे 12 महीने में 12 पूर्णिमा आती है, तो हर पूर्णिमा के दिन अगर आप पंचामृत से दूध दही घी शक्कर और मध इसको मिला करके अगर आप भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करते हैं तो ये मान के चलेगा आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा और आपके जो रुके हुए कार्य हैं उसको गति मिलेगी। उपाय नंबर चौथा करते हैं, उपाय नंबर चौथे की हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आपके आसपास में कोई अच्छी नदी है तो अमावस्या के दिन आपको वहां पर जाके स्नान करना चाहिए और स्नान जैसे हो तो वहां पर चावल का आपको दान करना चाहिए और कोई भी ब्राह्मण को आपको थोड़ी सी दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए ताकि आपके शरीर पे से आपके मन के ऊपर से जो नेगेटिविटी साल भर आपकी जो बनने वाली छोटी छोटी चीजों को लेकर के वो स्नान करने मात्र से वो समाप्त होगी। ऐसा आप करके देखिएगा, ऐसा आपको 12 पूर्णिमा करना है। आइए दोस्तों लास्ट उपाय बोलते हैं जो अचूक उपाय है जो बहुत सारी परेशानियों को आपको खत्म करेगा क्योंकि आपके ऊपर ढैया का असर अब शुरू होने वाला है। तो पीपल के वृक्ष के नीचे अगर आप तिल के तेल का 5 दीपक रात्रि के वक्त आप लगाइए और वहां पर अगर आप प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी परेशानी अगर वहां पर आप बोलते हैं तो डेफिनेटली आपको हर चीजों से निजात मिलेगा क्योंकि आपको ढैया थोड़ा सा परेशान करने वाला है, इसीलिए आप पीपल की अगर आप सेवा करते रहें और वहां पर 5 दीपक शनिवार को लगाएं तो डेफिनेटली आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म कर सकते हैं। दोस्तों ये तो रहा तुला राशि का विश्लेषण, जैसे कि हमने बताया महीने बताए हैं वो चीजों का अगर आप ध्यान देंगे और सबसे बड़ी बात है कि जो हमने उपाय आपको दिए अगर आप वो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों और एक हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा भक्ति द्वार टेलीविजन आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप हमारे हर अपडेट से आपको नई जानकारियाँ मिलती रहे। तो हम ये आशा रखते हैं कि ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई सवाल है, कोई परेशानी है तो आप हमारे ब्लॉग पे लिख सकते हैं, आपकी परेशानियाँ हम जरूर अपने चैनल पे उसका जो भी आपने लिखा है उसको दूर करने की कोशिश हम अवश्य करेंगे। आपका 2020 बहुत ही खुशियों भरा हो, आनंदित हो और बहुत सारा आपके जीवन में मंगल ही मंगल, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं राजेंद्र दुबे आप सभी से इजाजत देना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। देख रहे हैं भक्ति द्वार टेलीविजन, लाइक करें अपने भक्ति द्वार टेलीविजन को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बाजू में जो बेल आइकॉन है उस घंटी को भी बजा दे ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपके मोबाइल की भी घंटी बजेगी। भक्ति द्वार टेलीविजन, भक्ति द्वार, जीवन का सार।